हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में एक नुस्खा आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिनको दांत की प्रॉब्लम है, कतरे आने की प्रॉब्लम है, उनके साथ में बहुत ही छोटा सा, बहुत ही घरेलू नुस्खा है। उम्मीद करता हूं इससे फ़ायदा होगा। फ़ौरन टॉपिक पर आते हैं। नुस्खा आपके साथ डिस्कस करने के लिए आपके पास में एक पेन और एक पेपर होना चाहिए। आप उसकी डिटेल नोट करिए या फिर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक वीडियोस में स्टोर हो जाएगी, आप कभी भी वापस आकर इस वीडियो को देख सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिस ना हो आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं। चाहिए क्या इस कॉम्पोजिशन में आपको? आपको चाहिए माजू, इसको माजू फल भी कहते हैं, 50 ग्राम, और आपको चाहिए कमरकस 50 ग्राम। ये माजू का ध्यान रखें कि उसमें सुराख ना हो, उसकी जो काम करने की ताकत है वो थोड़ी हल्की हो जाती है। अगर बिना सुराख का माजू मिले सबसे बढ़िया। तो माजू और कमरकस 50-50 ग्राम, इन दोनों का पाउडर बना लिया जाता है और आधा आधा चम्मच सुबह और रात को इसको लेना होता है। यानी सुबह को खाली पेट दूध के साथ या पानी के साथ, और रात को सोने से आधा घंटा पहले पानी या दूध के साथ में। तो इसके अंदर जिनको कतरे की या दांत की प्रॉब्लम है, इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट उसमें देखा गया है। दवा एक मैं पहले भी बता चुका हूँ, सफ़ूफ मुकवी, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये उनके लिए है जो रेडीमेड दवा ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, पैसा खर्च करके दवा खा सकते हैं, उनके लिए है। नुस्खा उनके लिए बताया जाता है जो चाहते हैं कि हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ दवा नहीं मिल सकती हमें, या फिर हम खुद लेकर कुछ जड़ी बूटी ऐसी मिल जाए जिससे कि हम खुद इलाज कर सकें, तो ये नुस्खा उनके लिए होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। लाइक कर लेना वीडियो को ताकि आपके पास स्टोर्ड रहे ये। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।